अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन हाज़रीन, दिस इज़ राना फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। एंड आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने करियर अपना प्रोड्यूसर से, अंबर रहीम शमसी के प्रोग्राम के प्रोड्यूसर से आज न्यूज़ पर शुरू किया। उसके बाद वो डिफरेंट टीवी चैनल्स पर भी काम किया, उसके बाद यूट्यूब पर चले गए, अनसेंसर्ड काफ़ी काम करते हैं। वी हैव नन अदर देन असद अली तूर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मुझे थोड़ा सा ये बताएं आप कि आपने प्रोड्यूसर से जर्नलिज्म तक का सफ़र किस तरह है? अच्छा, मैं अब्दुल्ला भाई, मेरी एक आदत थी कि मैं रवायती प्रोड्यूसर्स की तरह सिर्फ स्टूडियो के अंदर नहीं काम करता था। मैं तब भी सुप्रीम कोर्ट रेगुलर जाता था, पार्लियामेंट जाता था, और मैं वहाँ पे अपने नोट्स लेके आता था अपने शो के लिए, और अपने एंकर के लिए ब्रीफ तैयार करता था और ये चीज़ें करता था। तो मेरी ये शुरू से आदत थी। सो रिपोर्टिंग वाज नॉट समथिंग कि बिल्कुल ही एक मेरे लिए डिफरेंट चीज़ थी। मैं वो कर रहा था, लेकिन मैं सिर्फ वो कैमरे के पीछे रह के कर रहा था। मैं टीवी पर बराह रास्त रिपोर्ट नहीं कर रहा था। लाइक जस्ट इमेजिन कि मैं एक प्रोड्यूसर था। आपको पता है पनामा के दोनों फैसले ARY न्यूज़ ने ब्रेक किए थे जी। और वो ARY न्यूज़ पर फैसलों की कॉपी देने वाला मैं था, हालांकि मैंने स्क्रीन पे आके ब्रेक नहीं किए थे। स्क्रीन पर आके तो साबे शाकिर ने ब्रेक किया था, देने वाला, ठीक है। तो क्यों? क्योंकि मैं रेगुलर कोर्ट जाता था, चीज़ें करता था, कॉपीज निकाल लेता था, डॉक्यूमेंट्स निकाल लेता था, सोर्सेज तब भी बना लिए हुए थे। सिर्फ ये हुआ कि जब फिर वो हालात बदलते गए और कुछ ताकतवर लोगों ने मेरा पाकिस्तान में टीवी चैनल्स पर मुझ में एक गैर एलानिया पाबंदी लगवा दी, तो फिर मैंने कहा कि ठीक है, फिर करें। फिर यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पे मेरे दोस्त मुझे धक्का दे के ले आए कि यूट्यूब पे फिर करो कुछ, तो फिर मैंने वो यूट्यूब पे शुरू कर दिया। वही चीज़ें जो मैं कैमरे के पीछे रह रहा था, फिर मैंने वो कैमरे के सामने बैठ के बोलनी शुरू कर दी। जो बंदा आज न्यूज़ में काम करता हो, जो बंदा ARY न्यूज़ में काम करता हो, और उसके ऊपर बाद में ये लेबल लगा दिया जाए कि वो स्ट्रॉन्ग क्रिटिक है इमरान का, हाउ डू यू फील अबाउट दैट? अच्छा जी, हर दौर में मुझ पर कोई ना कोई इस किस्म का लगता रहता है, लेकिन आजकल लाइक मुझे कहते हैं कि जी ये तो NTPMLN है। उस दौर में NTPTI का लगता था। हालांकि चीज़ यह है कि मैं अपने आप को जो डिफाइन करता हूँ, मैं कहता हूँ मैं हर उस जमात या उस सियासतदान का क्रिटिक होता हूँ जो इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से पावर में आते हैं और इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल के हुकूमत करते हैं, क्योंकि मेरी नज़र में इस मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का काम ही नहीं है सियासत करना। तो वो अगर गैर आइनी काम कर रहे होते हैं, अपने हल्फ को तोड़ रहे होते हैं, तो कोई सियासतदान उनके उस गैर आइनी काम में उनका सहूलतकार बन रहा होता है, तो मैं उसका नाक देता हूँ। तो अब जब लोगों ने वोट किया, अपना एक रके हायरी इस्तेमाल की और PTI को ताकत में लाने की कोशिश की, अब आप PTI के साथ में PTI के हक में क्यों नहीं बोल रहे? मैं बात कर रहा हूँ, मुझ पर यही तो आजकल ठप्पा है कि ये डॉलर खोरी के चक्कर में ये PTI का सपोर्टर बन गया है। हालांकि मैं उनके आइनी हक की बात कर रहा हूँ, उनके मैंडेट की बात कर रहा हूँ। तो मतलब आप इस बात को मान रहे हैं कि PTI की जमात को डिसमेंटल किया जा रहा है? बिल्कुल किया जा रहा है। आपको पता है मैं जो अभी मैं अरेस्ट हुआ था, वहाँ पे मेरे से लाइन ऑफ क्वेश्चनिंग ये थी कि आप क्यों कह रहे हैं इलेक्शन रिग्ड हुआ है अपने वीलॉग्स में। तो मेरे पे तो एलिगेशन ही ये था कि मैं फला फला इदारे की बात क्यों कर रहा हूँ कि उसने रिगिंग की है। आपका बेसिकली कहने का ये मकसद है कि इमरान खान पे जो PTI के फाउंडर चेयरमैन है, उन पे जो इल्ज़ाम तोशाखाना के लगाए गए हैं, उसके बाद बुशा बीबी से शादी के लगाए गए हैं, वो झूठे, ये फ्रिवलेस केसेस हैं। तो क्या नवाज के खिलाफ फ्रिवलेस केसेस? बिल्कुल वही फ्रिवलेस केसेस थे। क्या उससे पहले जरदारी के खिलाफ केसेस नहीं थे? आप देखिए ना, इन तमाम रियाल तालपुर के खिलाफ सब थे। आप ये देखिए ना अब्दुल्ला, कि जितनी कन्विक्शन होती हैं वो सारी इकट्ठी हो जाती हैं। आसिफ जरदारी साहब जेल में है कि ईवान सदर में? ईवान सदर में है ना। मियां नवाज शरीफ साहब को आपने ब्लैक लॉ डिक्शनरी निकाल के कन्विक्ट किया, क्योंकि आईन और कानून में मिल रहा नहीं था आपको कैसे कन्विक्ट करें, ठीक है। उनसे मियां नवाज शरीफ को आज आपने वापस ला के तमाम केसेस एक्यूट करवा दिए। नवाज शरीफ ने तो कह दिया ना कि उनको ये मैंडेट नहीं चाहिए, अगर पूरा मैंडेट नहीं दिया जाता तो उनको ये मैंडेट नहीं चाहिए, लेकिन उन्होंने अपने भाई को प्राइम मिनिस्टर बना दिया। नहीं समझा तो ये भी जा रहा है, आजकल बातें तो गर्दिश में ये भी हैं कि PMLN के अंदर दो हिस्से बन चुके हैं, एक मियां नवाज शरीफ का, एक मियां शहबाज शरीफ का। अच्छा, माजरत के साथ, ये हमेशा से गुड कॉप बैड कॉप वो खेल रहे होते हैं। मियां शहबाज शरीफ साहब
आपकी माजरत के साथ अपनी सियासी कोई हैसियत ही नहीं है। ये हो ही नहीं सकता कि पीएमएलएन में कोई भी बंदा मियां नवाज शरीफ की मर्जी के अलावा कुछ कर रहा हो, क्योंकि वोट बैंक मियां नवाज शरीफ का है। ठीक है, तो मियां नवाज शरीफ जिसको आज अबैंडन कर देंगे वो कल सुबह जीरो होगा। तो ये जो आज हुकूमत मिली है, ये जो आज हुकूमत में आके बैठे हैं, ये दो ग्रुप नहीं है, ये मियां साहब की मर्जी से जाके बैठे हैं। अगर मियां साहब की मर्जी से हुकूमत नहीं बन रही थी तो वो अपनी जानशीन मरियम नवाज साहिबा को पंजाब की सीएम ना बनवाते। तो ये माजरत के साथ ये नजर का धोखा है, नून लीग की तरफ से एक डिफेंस है कि नहीं नहीं वो जी मियां नवाज शरीफ, तो ताकि कल को अगर बात बिगड़ जाए तो फिर सारे मियां नवाज शरीफ शुरू देखे, देखे नहीं मियां साहब तो मुजामत करना चाहते थे तो फिर मुफामत क्यों की? मुफामत की सियासत से नहीं काम लेना चाहिए। लेकिन आपका फिर आप क्योंकि ये कह रहे हैं कि मियां नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ और अब हुकूमत एक ही पेज के ऊपर है, तो क्या मोहसिन नकवी का हुकूमत में आना ये इंडिया नहीं है कि एस्टेब्लिशमेंट ये हुकूमत चला रही है? बिल्कुल, फैसल वाडा कैसे बने? पूछ फैसल वाडा। ठीक है, ये बलूचिस्तान में हुकूमत किसने बनवाई है? ठीक है, ये सब लोग कहाँ से ये जीत रहे हैं? पाकिस्तान की सियासत में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का अमल दखल अब नहीं, 1970 से ही जारी है। तो क्या ये इख्तिताम, क्या ये इख्तिताम पजीरा होगा आने वाले इलेक्शंस के अंदर? कभी भी नहीं होगा। वजूहात, 1970 तो आपने बहुत लेट बताया, 1970 पहले यूथ मार्शल लॉ लगा चुका था। 50 की जो डेकेड थी उसके अंदर वो पॉलिटिक्स शुरू कर चुकी थी फौज। ठीक है, तो बात ये नहीं है, फौज तो शुरू से ये कर रही है। लेकिन अब जो अनफॉर्चुनेट है, अब फौज का किरदार इतना बढ़ गया है कि जो 2020 में मियां नवाज शरीफ साहब ने एक बात की थी कि अब रियासत के अंदर रियासत का मसला नहीं, अब रियासत के ऊपर रियासत कायम हो गई है। लेकिन बदकिस्मती से आज उसी रियासत के ऊपर जो रियासत कायम हुई है उसकी सुप्रीमेसी तस्लीम करते हुए मियां नवाज शरीफ साहब ये हुकूमत करने को तैयार हो गए हैं। SIFC क्या है? वो कैबिनेट से ऊपर सुप्रा कैबिनेट बॉडी है, वो रियासत के ऊपर रियासत है, लेकिन उन्होंने मान लिया। आज ये फैसल वाडा और दीगर सारे, कौन इनको मुंतखब करवा रहा है, किसके ये लोग हैं? ये लोग मुंतखब करने को तैयार हो गए हैं, उनको कैबिनेट में पोजीशन देने को किस लिए तैयार हुए हैं? वजीर खजाना किन का दिया हुआ है? अच्छा, आप बेसिकली कह रहे हैं कि इसहाक डार भी उनका बंदा है? और इसहाक डार तो वजीर खजाना नहीं बन सके। नहीं, देखें, फेस बाय द फेस ऑफ इट तो इसहाक डार साहब ही है। नहीं नहीं, इसहाक डार साहब के पल्ले कुछ नहीं है, वो औरंगजेब साहब वजीर खजाना है। इसहाक डार साहब तो बेचारे कभी ECC में घुसने की कोशिश करते हैं तो फिर वहां से कॉल आती है तो ECC से निकाल दिए जाते हैं। फिर वो कभी प्राइवेटाइजेशन की कमेटी में घुसने की कोशिश करते हैं तो फिर वहां से, तो वो तो क्या उनके पल्ले। आप पर अब से 6-8 महीने पहले ये भी इल्ज़ाम लगा कि आप बड़े एक स्ट्रॉन्ग सपोर्टर थे टॉप काजी के, जैसे आप कहते हैं, और अब आप एक स्ट्रॉन्ग क्रिटिक बन गए। ये नाराजी और फिर ये क्या सिलसिला चल रहा है? देखिए अब्दुल्ला भाई, ये बात काजी साहब को सोचनी चाहिए कि जब ये राने में तो माफ़ी भी दी जाती है कि जब उन पर बुरा वक्त चल रहा था तो कौन उनके साथ खड़े थे, और आज जब वो बाख्तियार हैं तो कौन उनके साथ खड़े हैं, और उसकी वजह क्या है कि जो बुरे वक्त में उनके साथ खड़े थे आज वो साथ क्यों नहीं खड़े, ये उनको सोचना चाहिए। बात ये है कि अगर उन्होंने आज साइड बदल ली है तो हम तो साइड नहीं बदल सकते ना। तो क्या हमारी साइड तो वही है ना कि हम तो अदलिया और सियासतदानों के इस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारी के नाकिद हैं, हम वही रहेंगे। तो क्या सियासतदान का, क्या सहाफ़ी का यही काम है कि लोगों को साइड ना बदलने दी जाए, या ये काम है कि लोगों के केसेस के फैक्ट्स को रिपोर्ट किया जाए ना कि रिश्ते पर्सनल डेवलप किए जाएं? बिल्कुल, सहाफ़ी का यही काम है कि फैक्ट्स रिपोर्ट करें। ठीक है, और सहाफ़ी का यही काम है कि वो साइड ना बदले, दूसरे ने बदलनी है बदले, तो हमने साइड नहीं बदली। ठीक है, हम आज भी फैक्ट्स रिपोर्ट कर रहे हैं, जो उनके केसेस के फैसले आ रहे हैं, और उन फैसलों से जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट मजीद ताकतवर होगी तो हम तो फिर तनकीद करेंगे ना, तो हम वही कर रहे हैं। आप तनकीद पर खबर भी बनाएंगे। आज से 3 दिन पहले का आपका व्लॉग था जिस पर आपने कहा कि आपके टॉप सोर्सेज हैं जिन्होंने बताया कि इमरान से कुछ जर्नल्स हैं और कुछ पॉलिटिशियंस हैं और जो फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान, एक आपने नाम लिया, फ्रेंड्स ऑफ पाकिस्तान मिलने जा रहे हैं और रिकंसिलेशन की बात कर रहे हैं। लेकिन उसके बाद इमरान का ये बयान भी आया, एक जो बड़ा स्ट्रॉन्ग बयान था अगेंस्ट पाकिस्तान आर्मी,
तो ये तो दोनों बातें कॉन्ट्रडिक्ट कर रही हैं। अच्छा वो बाय द वे मैंने उस व्लॉग अगर आपने पूरा सुना तो मैंने उसमें कोट किया था वो अंसार अब्बासी साहब ने स्टोरी की थी, मैंने उस स्टोरी के ऊपर किया था कि ये अब डेवलपमेंट हो रही है और उसमें उस स्टोरी के मुताबिक भी वो मुलाकात अभी हुई नहीं, वो लोग भी मुतहरिक हुए हैं। ठीक है, मुतहरिक होने का मतलब यही है कि आने वाले दिनों के अंदर वो मुलाकातें होना शुरू होंगी। और उसकी वजह यही है कि वो ऐसे ग्रुप्स इसीलिए मुतहरिक हो रहे हैं क्योंकि टेम्परेचर दोनों साइड पे बहुत ऊपर चला गया। इमरान खान साहब भी जनरल आसिफ मुनीर का नाम लेके बात कर रहे हैं और यहाँ तक कह रहे हैं कि मैं इनको कभी नहीं छोड़ूंगा। ठीक है, दैट इज़ नॉट एन ऑर्डिनरी स्टेटमेंट। यस, ठीक है। तो दूसरी तरह से फौज भी उनके बारे में इंतहाई एक्सट्रीम पर गई हुई है। तो ऐसे में ऐसे लोग हैं, ऐसे आइडियाज चल रहे हैं कि जो बीच में कुछ ना कुछ टेम्परेचर नीचे लाएं। तो अब वो टेम्परेचर नीचे लाने में कामयाब होते हैं नहीं होते हैं, तो जैसे मुजीबुर्रहमान शामी और मोहम्मद मालिक ने स्टोरी ब्रेक की कि बाजवा साहब ने कुरान पर हाथ रखकर माफी मांगी और सब कुछ हुआ, तो क्या ये भी इंडिया है कि रिकंसिलिएशन होने जा रही है? देखें, बाजवा साहब की कस्में तो बहुत ही माजरत खान झूठी हैं, ये तो ख्वाजा आसिफ साहब ने भी कहा है। हाँ, ठीक है। और जिस शख्स ने अपना हल्फ तोड़ा हो उसकी किस कसम पे एतमार करेंगे हम? ठीक है कि वो कसम खा रहा था, मैं एतमार करें, हल्फ भी तो कसम ही होता है ना कि मैं कसम खाता हूँ मैं ये काम नहीं करूँगा, और फिर अगर आप वो काम करें तो ठीक है। तो चीज़ ये है कि अगर आपने रिकन्सिलिएशन की चीज़ों के अगर आपने देखने हैं इशारे, तो अभी देखिए पीटीआई के लोगों के केसेस होने के बावजूद ECL से नाम निकाल दिए। फिर इसके अलावा आप देखिए कि पिछले दो इजलासों में कौमी असम्बली के कोई हंगामा नहीं हो रहा, डॉन की दोनों दिन स्टोरी है, कल की भी और आज की भी स्टोरी है कि ठीक है। फिर आप देखिए पिछले कुछ अरसे में पीटीआई के जो लोग जेर ज़मीन थे वो मंजरे आम पर आए और उनको जमानतें मिली। हाँ जी, हमाद अज़र आए आज से 8-10 महीने के बाद मंजरे आम पर आए, विच वॉज अ सरप्राइज। वो क्या मियाँ असलम इकबाल है, असलम इकबाल है, ठीक है। तो वो आपको एक नज़र आता है कि कहीं ना कहीं अब शायद टेम्परेचर नीचे आना है। ठीक है, उसके बाद अब देखें अदलिया भी अपनी पोजीशन दोबारा से एक्सर्ट कर रही है। वो जिस अंदाज में इमरान खान साहब को केसेस में सजाएं सुनाई गई हैं, जिस अंदाज में ट्रायल चला है, अदलिया उसके ऊपर बड़े सीरियस क्वेश्चंस रेज कर रही है। सीरियस क्वेश्चन रेज कर, सीरियस क्वेश्चंस तो मिलिट्री कोर्ट्स के ऊपर भी रेज कर रहे हैं। सीरियस क्वेश्चन तो आज 24 अप्रैल पे जब आपने सुप्रीम कोर्ट की कवरेज की उसके ऊपर भी हमने डिफरेंट वालदेन की, डिफरेंट भाइयों की कहानियां सुनी जिसके ऊपर ये पता चल रहा है कि इलीगली डिटेन किया हुआ है। लेकिन किसी को इलीगली किस तरीके से डिटेन किया जा सकता है जब जियो फेंसिंग के जरिए, जब कैमराज के थ्रू ये चीज़ पता चलती है कि जिना हाउस के अंदर उस दिन वो लोग मुलव्वस थे? क्या आप अब आके अब आप ये कहेंगे कि हसन नियाजी वहाँ पे पेंट पकड़ के जनरल साहब की नहीं खड़े हुए थे? अच्छा, इसमें एक चीज़ है, कुछ तो उनमें से ऐसे हैं जिनकी वीडियोज़ नहीं है, सिर्फ जियो फेंसिंग है जी। जियो फेंसिंग आप देखें अब्दुल्ला भाई, हम ये सामने टावर आप देख रहे हैं, वो सामने जो लगा हुआ, हम इस टावर की रेंज में मोबाइल की जी। अब वहाँ पर कोई हादसा हो जाए वो तो हमें भी उठा के ले जाएंगे, इस टावर की रेंज में इनका मोबाइल चल रहा था उस वक्त, दैट इज़ नॉट अ क्राइम बाय द वे। दूसरी चीज़, मैं बुनियादी तौर पे मिलिट्री कोर्ट्स के ही क्याम के खिलाफ, सिविलियंस के लिए सिविलियन कोर्ट ही होनी चाहिए। अगर मिलिट्री कोर्ट्स में इतना अच्छा और फौरी इंसाफ मिल रहा तो पाकिस्तान की तमाम अदलिया बंद करते हैं, मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ही ट्रायल करा लेते हैं। देखिए मिलिट्री कोर्ट्स में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में जो ट्रायल होते हैं वो बड़े क्लियर हैं, वो ये हैं कि मैंने अगर जासूसी की है या मैंने फौज की किसी तनसीब को नुकसान पहुंचाया या कोई साजिश की है, वो एक सूरत में साबित होगी कि अगर मेरे साथ कोई फौजी अहलकार भी मुलव्वस था, तो उस सूरत में उसके साथ मुझे ब्रैकेट करके तो मेरा ट्रायल हो सकता है। लेकिन अगर मेरे साथ कोई फौजी अहलकार मुलव्वस नहीं है तो फिर मेरा केस सिविलियन में ही चलेगा। आपने 2014 के जब वो 15 के जब वो 14-15 में आर्मी पब्लिक स्कूल पर जब अटैक हुआ था, तो उन दहशतगर्दों का जब मिलिट्री कोर्ट में अपने ट्रायल करना था तो आपको आईनी तरमीम लानी पड़ी थी क्योंकि दहशतगर्द होने के बावजूद वो सिविलियन थे। यहाँ पर आप बगैर कोई आईनी तरमीम लाए, आपका दिल किया कि आपने कहा जी मुझे तो नहीं अब्दुल्ला की शक्ल पसंद, अब्दुल्ला मुझे तो नज़र आया था, इससे तो वहाँ पे इसकी मोबाइल की लोकेशन आ गई, अब्दुल्ला उस टाइम जिना उसके मोबाइल टावर की रेंज में था,
तो मैं अब्दुल्ला को उठा के ले जाऊंगा और कहूंगा मैंने ट्रायल करना है इसका फौरी। ये तो मत करें ना, मतलब कानून की इस तरह मौकरी मत करें कि मेरे हाथ में अगर बंदूक है तो मैं जो मर्जी करूं। तो क्या कवर मुईज़ खान और फॉर्मर DGISI जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद साहब का भी जो एक केस चल रहा है वो भी क्या कानून की मौकरी होने जा रही है? वो तो उनका अपना फौजी है ना, उसका करें ना ट्रायल। वैसे तो उसको सिविलियन देवे ना, उसमें नैब के हवाले करें उसको, फैज़ हमीद को। हमारे सिविलियन पॉलिटिशियंस को तो आप उठा के नैब के में ले जाते हैं इंक्वायरी की स्टेज पे। यहाँ पे आप कह रहे हैं हम फौज खुद करेगी, चलें ठीक है खुद करेगी, लेकिन आप एक चीज़ बताइए, ये कितना बड़ा एक वाकया है। फौज कहते हैं बहुत वेल डिसिप्लिन्ड इदारा है, ठीक है हमारे अंदर, इस बात को तो सब मानते हैं हमारे अंदर, वेल डिसिप्लिन्ड इदारा, हमारे अंदर बड़ा इंटरनल अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म है। कैसे जनरल फैज़ हमीद ने इतनी बड़ी हरकत की कि दिन दिहाड़े उसने रेंजर्स और फौज इस्तेमाल करके, और आज तक इंटीरियर मिनिस्ट्री पर रिपोर्ट नहीं है। यस, उसने इस्लामाबाद में एक हाउसिंग सोसाइटी के मालिक को F11 में उसके घर से उठाया, अगवा रखा, उससे पैसा छीना, सोना छीना, जायदाद ट्रांसफर करवाने की कोशिश की, 400 तोला सोना जी, और वो वापस भी नहीं किया। क्या इतना बड़ा वाकया फौज के अंदर किसी को पता ही नहीं चला था कि फैज़ हमीद ये कर रहे हैं? तो आप क्या समझते कि नॉट जस्ट द टॉप रैंक्ड आर्मी ऑफिशल्स बट जो सिपाही हैं वो भी इन चीज़ों में मुलव्वस हैं और उनकी भी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए? अगर कोई करे तो क्यों नहीं होनी चाहिए, कि टॉप से ऑर्डर आया? बिल्कुल होनी चाहिए। फिर भी अगर टॉप से किसी एक फौजी को ऑर्डर आया हो कि आपने कहीं पर रेड करनी है, तो क्या आप फिर भी समझते हैं कि उस सिपाही की अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए? देखें, अगर उसने कोई गैर कानूनी ऑर्डर फॉलो किया है तो अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म तो होना चाहिए। अगर आपको ये लगता है कि इस बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए, तो फिर जो इतने पुलिस अहलकार अदालतों में हम घसीट रहे होते हैं या उनके मीडिया पे किरदार कुशी कर रहे होते हैं, वो भी तो किसी न किसी सीनियर का ऑर्डर फॉलो करते हुए जाली पुलिस मुकाबला करते होंगे या कोई गैर कानूनी काम करते होंगे या किसी मुजरिम को छोड़ते होंगे, किसी सीनियर का ऑर्डर फॉलो करते होंगे ना, तो फिर उनको हम किस लिए पूछते हैं? उनको भी फिर इट शुड बी लॉ ऑफ जंगल कि जिसके माइट इज़ राइट, जिसके हाथ में बंदूक है जो मर्जी कर ले, हम उसको नहीं पूछ सकते? माइट इज़ राइट। एंड ऑन द एंडिंग नोट आई नीड टू गिव इट टू असतूर साहब, नूर मुकदम का एक केस जो इस्लामाबाद के अंदर शहर इकतदार के अंदर ही हुआ, असतूर साहब एंड साकिब जमील साहब वर द ओनली टू जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान, आई वुडंट कॉल हिम अ यूट्यूब जर्नलिस्ट बट अ जर्नलिस्ट इन पाकिस्तान हु टुक द केस फॉरवर्ड, जो अदालतों में भी पेश हुए, इस्लामाबाद हाईकोर्ट की भी कवरेज की, सुप्रीम कोर्ट की भी कवरेज की, घरों में जाके भी कवरेज हुई, और कंडेम किया इमरान रियाज खान जैसे जर्नलिस्ट को। सो वी नी ओवर हेयर नीड टू गिव इट टू असद साहब एंड हाउ द केस वॉज हाईलाइटेड, एंड एज ऑफ 24 अप्रैल अभी तक द नेशन इज़ वेटिंग कि क्या ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़िर को डेथ पेनल्टी होगी कि नहीं होगी। सो सर आई नीड टू गिव इट टू यू के द कमेंडेबल रिपोर्टिंग दैट वॉज डन स्पेसिफिकली इन रिगार्ड्स टू नूर मुकदम केस। यानी वो हमारा काम था, वो हमारी जॉब भी थी, और बतौर इंसान भी जिस अंदाज में उस दरिंदे ने उस बच्ची को मर्डर किया, जिस अजियत से उसके पेरेंट्स गुजरे, वो एक बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं ना पूरे मुल्क में एक ट्रामा था उस वाकये के बाद। और यकीन करें अभी मैं उस बच्ची का जिक्र कर रहा हूँ तो मेरे अंदर मुझे कुछ वो फील हो रहा है आपके ना रोंगटे से खड़े होते जैसे, कि वो इतना खौफनाक वाकया था और पूरा मुल्क एक दफ़ा हिल के रह गया था। तो उसके अंदर तो आपको उस सोशल एंगल से उसकी कवरेज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, और जो लोग उस दौर में नूर मुकदम के किरदार के ऊपर अटैक कर रहे नाम थे बोले आप इमरान रियाज खान और ये लोग, तो मुझे इतना अफसोस हुआ। हम अब सुनते हैं कई दफ़ा वाकयात रिपोर्ट होते हैं कि वो लोग पकड़ जाते हैं कि नहीं वो कब्र के अंदर बच्ची के साथ ज्यादती करते हैं, ठीक है, तो उनमें और ऐसे सहाफ़ियों में क्या फ़र्क है जो एक कब्र में लेटी हुई बच्ची के किरदार के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हों? ऐसे मतलब मेरी नज़र में तो ऐसे लोगों को परमानेंटली बैन हो जाना चाहिए, लेकिन हमारे लोगों के वो खैर इस मुल्क में सब कुछ चल जाता है। लेकिन मुझे वो बहुत दुख था, और मुझे बहुत दुख था क्योंकि हमारी कम्युनिटी के अंदर से लोगों ने नूर मुकदम के किरदार कुशी की कोशिश की, जिसका मैं सारी उम्र शर्मिंदा रहूँगा इसके ऊपर, चाहे मैंने नहीं वो किया हुआ काम, लेकिन मुझे इसलिए शर्मिंदगी रहेगी कि मेरी कम्युनिटी के अंदर से लोगों ने उठ के ये काम किया। हम कैसे सोच सकते थे कि नूर मुकदम के साथ जो हुआ उसके बाद हम
उसके ऊपर किसी भी किस्म का उस बच्ची पे इल्ज़ाम लगा सके, तो वो एक बहुत ही ज़्यादा अफसोसनाक वाक़या था। और मेरे ख्याल में ज़ाहिर जाफ़र को कल फांसी लग भी जाए तो कम अज़ कम मैं ज़ाहिर जाफ़र को, उसके माँ बाप को और ये इमरान रियाज जैसे लोगों को कभी ज़िंदगी भर इस चीज़ के ऊपर माफ़ नहीं करूँगा जो इन लोगों ने किया। ऑन दिस नोट असद साहब, आने वाले दिनों के अंदर एक आपके आखिरी एंडिंग रिमार्क्स पाकिस्तानी सियासत में शहर इकतदार में क्या होने जा रहा है? क्योंकि आपने कहा कि दो दिन से नेशनल असम्बली के अंदर कुछ नहीं हुआ, लेकिन एलिस, अगर आपने एलिस इस्लामाबाद का पूछना है सहले शहर इकतदार का, तो मुझे कोई अच्छा फ्यूचर नज़र नहीं आ रहा। ये हुकूमत कंप्लीट होती हुई नज़र आ रही है आपको? नो वे, कभी भी नहीं कंप्लीट होगी ये हुकूमत। मेरा मानना है कि बनी ही गिरने के लिए, ठीक है, ये गिर जाएगी कुछ अरसे में। वो अब आप कह रहे हैं कि 2025 नवंबर तक गिरती है, उसके बाद गिरती है, उससे पहले गिरती है, ये एक अलहदा मौजू है, लेकिन ये ज़्यादा अरसा नहीं चलेगी। दूसरी बात, ये हुकूमत डिलीवर नहीं कर सकती। और डिस्पाइट द IMF पैकेजेस, डिस्पाइट औरंगजेब साहब को बाहर से बुलाया एंड डिस्पाइट एस्टेब्लिशमेंट की बैकिंग, अब फिर भी ये समझते हैं कि हुकूमत नहीं चलेगी? इमरान खान साहब की तो बैकिंग थी, डिलीवर कर सकी थी, ठीक है। अभी भी देखिए ना, IMF ने स्टैंड बाय एक प्रोग्राम हमें दिया था $3 बिलियन का जी। उस $3 बिलियन के तहत हमने जो इंटरनेशनल, हमने जो मुख्तलिफ ममालिक से और वो बैंकिंग इंस्टीट्यूशन से बात की हुई थी, हमें फर्स्ट 9 मंथ्स में $17 बिलियन मिलने थे। हमें $9 बिलियन मिले, तो हमारी जो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी नहीं हो पा रही। तो आगे भी अगर हम IMF प्रोग्राम में चले जाएंगे तो शायद हो सकता है कि हम डिफ़ॉल्ट तो ना करें, लेकिन जो मुल्क चलाने के लिए हमारी इस वक्त फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं वो नहीं पूरी हो पाएंगी। ये मुल्क अनफॉर्चुनेटली एक ऐसे मुकाम पर पहुँचा दिया गया है कि मुझे जो सबसे बड़ा अफसोस होता है वो ये लगता है कि अब शायद यहाँ से रिवर्सल मुमकिन नहीं रहा। इस वजह से आने वाले दिन टफ ही होंगे, मजीद मुश्किल होंगे, मजीद हालात ख़राब होंगे। विद द होप दैट डेमोक्रेसी प्रिवेल्स इन द कंट्री। थैंक यू सो मच असद साहब फॉर योर प्रेशियस टाइम। स्टे ट्यून्ड फॉर इस्लामाबाद सीरीज, वी विल बी हैविंग रियली एक्साइटिंग इंटरव्यूज फॉर एवरीवन। थैंक यू सो मच।